दोस्तों, बॉलीवुड में बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए एक स्टार किड ही होना काफ़ी नहीं है। जब किस्मत ही खोटी हो तो कोई क्या कर सकता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे ही स्टार किड की, जिनके पिता तो बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार रहे, लेकिन दूसरी तरफ ये। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऊपर वाले बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, तुषार कपूर की इस कहानी की शुरुआत होती है 20 नवंबर 1976 को, जब बॉलीवुड स्टार जितेंद्र के घर में इनका जन्म हुआ और इनकी माँ शोभा कपूर एक टेलीविज़न प्रोड्यूसर हैं। इनकी एक बड़ी बहन भी हैं जिनका नाम एकता कपूर है, जो टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और इनकी बहन को 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, तुषार कपूर की शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल मुंबई से हुई, और यहाँ पर इनकी क्लास में इनके साथ अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन भी पढ़ते थे। इसके बाद ये US चले गए और वहाँ से इन्होंने अपनी BBA की डिग्री पूरी की, और फिर वहाँ से वापस आने के बाद इन्होंने एक्टर बनने के लिए एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर डेविड धवन को ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही इन्होंने एक्टिंग और डांस इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया, ताकि ये बॉलीवुड में एक धमाकेदार एंट्री कर सकें। फिर 2001 में इन्होंने फिल्म मुझे कुछ कहना है से बॉलीवुड में डेब्यू किया, और इनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इस फिल्म में इनके साथ करीना कपूर नजर आई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू से भी नवाजा गया। इसके बाद इनकी 2002 में दूसरी फिल्म आई क्या दिल ने कहा। इस फिल्म में इनके साथ बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल नजर आई थी, और इनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर इन्होंने जीना सिर्फ मेरे लिए कुछ तो है और गायब जैसी फिल्में तो की, लेकिन इनकी ये सभी फिल्में फ्लॉप ही रहीं। इसके बाद इनकी दो फिल्में खाकी और इंसान आई, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन इनकी ये फिल्में भी फ्लॉप ही रहीं। अब एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में करने के बाद तुषार कपूर को लगने लगा था कि बॉलीवुड से उनका पत्ता लगभग साफ है। फिर 2005 में इनकी फिल्म आई क्या कूल हैं हम, इसमें इनके साथ रितेश देशमुख, ईशा कोपिकर और नेहा धूपिया भी नजर आए थे, और इनकी ये फिल्म सुपरहिट रही। ये फिल्म एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म थी, और यहाँ से लोग मानने लगे कि तुषार कपूर कॉमेडी फिल्में भी कर सकते हैं। फिर इन्हें 2006 में ऑफर हुई फिल्म गोलमाल, और इस फिल्म में इनका एक भी डायलॉग नहीं था। इसमें इन्होंने एक गूंगे का किरदार निभाया था। ये एक मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म थी, और इनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही, और फिर ये गोलमाल फ्रेंचाइजी की सभी फिल्मों का हिस्सा बने। इसके बाद ये 2007 में एक सीरियस फिल्म शूटआउट एट लोखंडवाला में भी नजर आए। ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी, इसमें इन्होंने एक नेगेटिव रोल अदा किया था। फिर इन्होंने गोलमाल रिटर्न, गोलमाल 3 क्या सुपर कूल हैं हम, शूटआउट एट बडाला, गोलमाल अगेन और सिम्बा जैसी कई सुपरहिट फिल्में की। सिम्बा फिल्म में ये आँख मारे गाने में स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर नजर आए थे। दोस्तों, इनकी ज़्यादातर फिल्में मल्टी स्टारर ही रहीं, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में एक बड़ा मुकाम हासिल न करने के बावजूद भी इन्होंने बॉलीवुड में अपनी अच्छी खासी पहचान तो बना ही ली। अब इनकी अक्षय कुमार के साथ लक्ष्मी बॉम्ब मूवी आने वाली है, जिसमें ये अक्षय कुमार के भाई का किरदार निभाने वाले हैं। ये फिल्म इनके खुद के प्रोडक्शन हाउस तुषार एंटरटेनमेंट हाउस में बनकर ही तैयार हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी ये फिल्म और आने वाली सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करें। दोस्तों, बात करें इनकी मैरिज लाइफ की, तो इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। हालांकि इनके शुरुआती करियर के समय में इनका नाम राधिका आप्टे के साथ जोड़ा गया था। ये एक सिंगल पेरेंट हैं। इनका सेरोजेसी के थ्रू 2016 से एक बेटा है जिसका नाम है लक्ष्य। तो दोस्तों, ये थी तुषार कपूर की मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऊपर वाले बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।